हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर एकेडमिक। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था, जिसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो आई होप कि आपको वो सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक नोट है, इस नोट को अच्छे से देखिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक नोट है, ठीक है? यानी कि नोट में लिखा हुआ है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी को वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है? यानी कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में चार डेफिनेशन बताई थी, उसमें भी मैंने यही बात की थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों के बारे में, ठीक है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण के बारे में बात की थी। तो वो इलेक्ट्रॉनों से ही आपके पॉसिबल हो सकता है, वो मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता और इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसको क्या कहते हैं हम, वैद्युत आवेश, ठीक है? इसमें फर्स्ट देखिए आप, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वह ऋणावेशित होगा, ठीक है ना? यानी कि सब कुछ जो भी आवेश का जो खेल है ना, वो पूरा इलेक्ट्रॉनों पर है, ठीक है ना, इस पर है, इलेक्ट्रॉनों पर। यानी कि वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो जो वस्तु है वो ऋणावेशित होगी। और दूसरा ये है कि यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो वस्तु क्या होगी, धनावेशित होगी। यानी कि उस पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कम होंगे यानी प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, यानी प्लस चार्ज ज़्यादा होगा तो वो धनावेशित होगी, ठीक है? अब देखिए आगे, इसी के साथ आगे देखिए आवेशों के प्रकार, आवेशों के प्रकार देखिए, यहाँ पे आवेशों के कितने प्रकार हैं, दो, ठीक है, दो प्रकार बताए हुए हैं। एक तो है हमारा धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश मतलब नेगेटिव चार्ज। तो भाई धनावेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, वही मैंने आपको अभी बताया ऊपर, ठीक है, और ऋणावेश क्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, ठीक है। तो यही है आवेशों के प्रकार। आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है एक नोट, नोट में देखिए फर्स्ट वाला देखिए, हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट वाला है समान आवेश। अब समान आवेश का मतलब समझिए, समान आवेश का मतलब ये है कि दोनों आवेश है ना, वो या तो धनावेश हो, धनावेश एवं धनावेश हो, या फिर ऋणावेश एवं ऋणावेश हो, ठीक है? तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं, यानी समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है? और सेकंड देखिए विपरीत आवेश, विपरीत आवेश का मतलब क्या है, धनावेश एवं ऋणावेश, ठीक है? यानी कि दो आवेश ले रहे हैं जिसमें हमारे पास एक तो धनावेश होगा और एक ऋणावेश होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हमारे पास है वैद्युत आवेश का मात्रक, ठीक है, क्या है, वैद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए एम के सी पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है, यानी कि जो एम के सी जो हमारी पद्धति है उसमें आवेश का जो मात्रक होता है, जो यूनिट होती है, वो कूलाम होता है। इसका जो मात्रक है ना, वो इस तरीके से निकला है, देखिए आगे इसमें मैं आपको बताऊं। देखिए जो हमारा फॉर्मूला था, ठीक है ना, आवेश का जो फॉर्मूला था वो था, देखिए सबसे पहले हमने बताया आपको, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, ठीक है, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा, देखिए आई का मात्रक क्या होता है हमारे पास, एम्पियर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। और जो टी होता है उसका यूनिट क्या होती है हमारे पास, सेकंड होती है। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम टाइम का जिक्र करेंगे तो टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है, ठीक है। जब हमारे पास एम्पियर इंटू सेकंड हो जाता है तो उसको हमने क्या बोल दिया, कूलाम बोल दिया, ठीक है। तो यही है हमारे आवेश का मात्रक, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए इसकी विमा होती है ए टी, यानी कि ए वन टी वन, विमा हो गई इसकी हमारे पास ए वन टी वन, ठीक है। आगे आगे हमारे पास है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, क्या है, वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम, यानी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि आवेश जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, इसको ओनली एक सर यानी कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज किया जा सकता है,
नेक्स्ट टॉपिक है मूल आवेश, ठीक है। क्या है? मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज। देखिए इसके बारे में, देखिए किसी आवेशित कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है, ठीक है ना, यानी कि किसी भी आवेशित कण, कोई भी आवेशित कण है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, उस पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है ना, उसे मूल आवेश कहते हैं। मान लो आप दो रोटी खाते हो डेली, ठीक है ना, यानी कि सुबह की दो और शाम की दो। मान लीजिए आप कम से कम आधी रोटी खा सकते हो, तो वो आपका क्या हो गया? मूल भोजन हो गया। यानी कि आपकी जो मूल रोटी, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपका जो मूल है ना, वो हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से इसमें बताया है कि जो हमारे पास आवेशित कण है, वो जितना न्यूनतम आवेश रख सकता है ना, उसे ही हम मूल आवेश कहते हैं। इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ई से, ठीक है। तो ई का जो मान है हमारे पास, वो आपको याद रखना है भाई, ठीक है ना। ये जो ई की वैल्यू है ना, वो बहुत काम आएगी, ठीक है। इसका मान होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है ना, यानी कि प्लस माइनस 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, ठीक है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं आगे। देखिए आगे हमारे पास टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुता। क्वांटीकरण, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। किसी आवेशित कण पर आवेश प्लस माइनस ई, प्लस माइनस टू ई या प्लस माइनस थ्री ई, ऐसे ही आगे हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी भिन्न के रूप में भी कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी कि इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई 1/2 ई, इसको इस तरीके से हम नहीं बोल सकते। कभी आपने सुना है क्या भाई आधा इलेक्ट्रॉन, डेढ़ इलेक्ट्रॉन, ढाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे सुना है क्या? नहीं सुना ना। तो उसी तरीके से इसको हम भिन्न के रूप में कभी नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो इसे ही क्या कहते हैं हम? क्वांटीकरण, ठीक है ना, यानी परमाणुता का नियम कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब इसी के आगे हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवरअप करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें और एक अच्छा सा कॉमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।